आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। कार्यक्रम के पुण्यार्जक है जैन समाज सुधार सभा एवं भगवान महावीर सेवा समिति, सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। आपको बनना है वैसे तो हमने बोल दिया।
जय हो 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 जय
सबसे पहले मति ज्ञान बोलो। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान है। वेदना बोलो। ये तो सुना होगा, सिर में क्या है बोलते, दांत में, घुटने में, बोलो वेद। वेदना दर्द ज्ञान से रिलेशन है। डॉक्टर क्या करता है ऑपरेशन करने के लिए, क्या करता है डॉक्टर? एनेस्थेसिया देता है, सुन करता है, क्या करता है? क्या सुन करता है बता सकते हो? उस ज्ञान को, जहां वो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। मति ज्ञान किसको कहते हैं पता है? मति ज्ञान कौन बताएगा? अब स्वादे करते नहीं क्या? मस्तिष्क में कैसे होता है? शास्त्रों में इसके लिए सूत्र है, तत्वार सूत्र में। हाथ जोड़ो, तत् इंद्रिया अनिंद्रिया, तत् इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम वह मति ज्ञान बोलो। हाथ ऊपर करो, पांचों इंद्रिया और मन के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से होता है? हाँ, ये जो मस्तिष्क है इसका हृदय यहाँ पर है, यहाँ। हाथ ऐसे करो, खुश होके करो, आगे करो, आगे खुश होके करना। जो तुम लोग नाराज होके करते हैं वो मैं खुश होके करवा रहा हूँ। बोलो हे भगवान। दोबारा करके बताओ, करते हो ना? कहाँ है हे भगवान? कहाँ है? यहाँ। हाथ कहाँ लगाते हो? यहाँ लगाते हो ना? या यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जो है यहाँ से जुड़ा है, समझ रहे ना अम्मा? यहाँ से ब्लड जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ काम करता है। ये मस्तिष्क का हृदय है। काय का हृदय है? मस्तिष्क के हृदय में मन है और हृदय से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा है? हृदय से जुड़ा हुआ है। जब वो हृदय एक्टिव होगा तो ये एक्टिव होता है, समझ रहे ना? नहीं समझ में आया? आया ना? जो भी विचार आता है यहाँ से आता है। कहाँ से आता है पता है ना आप लोगों को? चंदन और बिंदी कहाँ लगाती है अम्मा? यहाँ लगाते हैं ना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था वेद क्या चीज है। बोलो वेद है जिनके, वो जहाँ विराजमान होंगे वो वेदी है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? एक वेद को याद करता है या पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? वेदी। और दो वेद को पढ़ता है तो वो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। तीन पढ़ता है तो, चार पढ़ता है तो बोलते हैं ना? हमारे केवल वेदी बोलते हैं। अच्छा, एक अगर ज्ञान है, एक ज्ञान है तो कौन से ज्ञान हो सकता है? मति ज्ञान एक नहीं रहता, श्रुति अन्य साथ में रहता है, केवल ज्ञान होता है ना? तो एक ज्ञान, एक ज्ञान है, एक वेद है, वो क्या कहलाएंगे? वेदी। क्या कहलाएंगे? ज्ञान में आ रहा है? बोलो। जो केवल ज्ञान संपन्न अनंत ज्ञानी जहां विराजमान होते उसे क्या कहते? समझ में आ गया? वेदी का मतलब अनंत ज्ञानी जो विराजमान होते। अनंत ज्ञानी को भगवान बोलते। क्या बोलते? भगवान। धन जिसके पास है उसको क्या बोलते? धनवान। विद्या जिसके पास है उसको क्या बोलते? विद्वान। देखो फटाफट बता रहे, क्या नाम है बाबू? आर्य। आर्य का मतलब जानते हो?
बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब लोग। मुझे पता था तो बोलेगा। आज का मतलब होता है रिजू, रिजोर भावा हा, बोलो रिजोर भावा हा, आर जवम, री को आर आदेश होता है, री जो शब्द है ना रिजो, आर आदेश हो जाता है, आर जो बन जाता है, समझ गए ना। रिजुता का भाव, सरलता का भाव, कुटिल भाव से रहित होना आर्जव है। तो ये जो भगवान बताया, भगवान का बड़ा वैज्ञानिक आचार्य ने बताया, धवला में कौन से ग्रंथ में बताया, कातंत्र व्याकरण में भी बताया, वो शब्द कैसे बनाए भगवान जो है। बोलो भगम, हाथ जोड़ो भगम, केवल ज्ञानम अस्ति यस्य। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।